दोस्तों, हमारा जो आधार कार्ड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते जा रहा है दिन दिन, और हम देख रहे हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन में हमें आधार कार्ड पूछा जाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाई करना है तो उसके में भी आधार ही पूछा जाता है, और कोई भी हम फॉर्म अप्लाई करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं उसमें भी आधार कार्ड ही पूछा जाता है। दोस्तों, इतना जो ट्रांजेक्शन होता है ना आधार कार्ड के जरिए, इसका एक हिस्ट्री बन के रेडी हो जाता है हमारा जो UIDAI के साइट पे। तो हम इसको अभी भी चेक कर नहीं पाते हैं बहुत जन। मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कैसे आप चेक कर सकते हैं कि बायोमेट्रिक्स में या फिर बायोग्राफिक में या फिर आप कुछ भी जो ऑथेंटिकेट किए हैं OTP से, सब आप हिस्ट्री देख सकते हैं, और कहाँ कहाँ कौन कौन सा डेट में आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेट हुआ है वो भी आप क्लियरली देख पाएंगे। इसके जरिए क्या होगा दोस्तों, आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप खुद ही देख सकते हैं कि आपका आधार कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है। जैसे कि बहुत सारा सर्विस में हमारा आधार कार्ड जो है ऐड किया गया है, और कौन कौन सा सर्विस चालू है इसमें वो भी हमें ठीक से नहीं पता है, क्योंकि आजकल दोस्तों आधार कार्ड से भी बैंक से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं आप, और इसका हिस्ट्री के जरिए आप इसको देख सकते हैं क्या कि आपका साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है दोस्तों। तो इस चीज़ को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको दिखा दूंगा, बस 2 मिनट का काम है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आधार कार्ड के पहले इस जो साइट है इस पे आप आ जाएंगे UIDAI का साइट में, माई आधार में आ जाएंगे। यहाँ पे माई आधार में आने के बाद लॉगिन में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एंटर आधार नंबर जो है आपका आधार नंबर टाइप कर देना है, नीचे कैप्चा को फिल कर देना है, उसके बाद सेंड OTP में क्लिक कर देना है। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है और यहाँ पे सिंपली लॉगिन में क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, इस तरीके का एक इंटरफेस आपका सामने ओपन हो जाएगा। आपको दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री है इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे मिलता है, इसमें आपको सेलेक्ट मॉडलिटी का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप कौन सा टाइप के हिस्ट्री चाहते हैं, क्या OTP से आप कितना बार आधार कार्ड यूज़ कर चुके हैं, डेमोग्राफिक, फिर हमें बायोमेट्रिक एंड OTP। तो यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा क्या दोस्तों, वॉल में क्लिक कर दूँगा, मुझे सारा हिस्ट्री चाहिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ हुआ है, तो मैं वॉल में क्लिक कर देता हूँ। वॉल में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो एंटर स्टार्ट डेट, कहाँ से आपको कहाँ तक जो है वो हिस्ट्री डेट चाहिए, पहले से लेके जितने दिन भी आप यूज़ करे हैं, सारा डिटेल्स आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कब से लेके कब तक मुझे चाहिए। जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ 2022 December 25, तो मैं सेलेक्ट कर दिया हूँ। अभी एंड डेट, आप आज का डेट यहाँ में सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो फेच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री है इसी में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों देखिए यहाँ पे जो OTP के ज़रिए 100% जो यूज़ हुआ है, यहाँ पे OTP से सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है दोस्तों, OTP से ही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेट हुआ है हमारा आधार कार्ड। बायोमेट्रिक से बिल्कुल भी नहीं हुआ है, 0% है यहाँ पे, और डेमोग्राफिक भी यहाँ पे 0% है, यानी कि आपका जो फेस डिटेक्ट करता है उसके ज़रिए भी आप कभी भी यहाँ पे अप्रूवल नहीं दिए कोई भी सर्विस को। तो दोस्तों उसके बाद नीचे चले जाएंगे, देखिए हर एक डेट वाइज यहाँ में जो दिया गया है डेट दिया गया है, कौन सा ज़रिए आपका जो ऑथेंटिकेट हुआ है OTP के ज़रिए सक्सेस हुआ है, उसके बाद कौन सा मतलब जो रीज़न है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि UIDAI ऑनलाइन सर्विसेज के लिए आप OTP यूज़ किए हैं, उसके बाद ट्रांजेक्शन ID भी रहेगा, रिस्पॉन्स कोड भी रहेगा। तो इस तरीके से आपको सारा हिस्ट्री रहेगा, तो आप एक बार इसको फुल चेक कर सकते हैं दोस्तों। उसी तरीके से देखिए दोस्तों, मैं पेज का नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिखा है, आप एक एक करके यहाँ पे ट्रांजेक्शन सारा देख सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे सर्विस अप्लाई करे हैं सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो कि यहाँ पे देखिए डेमोग्राफिक में भी मैंने एक ट्राई किया था, वो फेल हो चुका था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे यूज़ किए थे, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर में मैंने ये यूज़ किया था, पर ये सक्सेस नहीं हुआ था दोस्तों, फेल हो गया था। इसी तरीके का आपको बहुत सारा हिस्ट्री मिल जाएगा दोस्तों। इसको अगर आप PDF फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड PDF, इसमें आप क्लिक कर देंगे तो आपका एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा। इसको दोस्तों ओपन करने के लिए क्या करना होगा, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको ओपन करेंगे तो आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, आपका नाम का जो 4 डिजिट है कैपिटल लेटर में आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है फुल यहाँ टाइप कर देंगे और सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, तो ये ओपन हो जाएगा दोस्तों।
उसके बाद आप आराम से बैठ के ऑफलाइन ही इसको फुल चेक कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कहाँ का हमारा आधार कार्ड ऑथेंटिकेट हो रहा है, कहाँ का यूज़ हो रहा है। कोई ऐसा जगह तो यूज़ नहीं हो रहा है जहाँ से हमारा पैसा कटता है, क्योंकि आजकल जो है आधार कार्ड से भी पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम है इन फ्यूचर ना हो, अगर कोई भी फेक तरीके से आपका जो पैसा निकल रहा है तो इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए आपको ये सब हिस्ट्री देखते रहना चाहिए हमेशा के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।